ये एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है आज के समय में इतने जो खेलों को लेकर के प्रोत्साहन है वो कुछ खेलों तक ही सीमित है। तो हमारा प्रयास है कि शरीर के क्षेत्र में और स्वस्थता के क्षेत्र में एक पूरा नया तरीके से इस गेम को प्रमोट किया जाए। और ये जो हमारा स्टार्टअप है ईश नाम का, हमने एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ पे फिज़िकल हेल्थ के साथ में मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी काम किया जाएगा, जहाँ पे एक ही छत के नीचे जिम, क्रॉसफिट, योग, मेडिटेशन एरिया, ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट, ऑर्गेनिक जूसेस, पंचकर्म और आयुर्वेद और ये फिजियोथेरेपी की क्लिनिक, इतनी सारी चीज़ें हमने एक ही जगह एक ही छत के नीचे ले आए हैं, जिससे कि लोग अच्छा जीवन जी सकें और जहर मुक्त जीवन जी सकें। जो मूल प्रेरणा है वो है केमिकल फ्री या पॉइजन फ्री लाइफ जीने की, और लोग अपने मूल की ओर लौटें, अपनी जड़ों की ओर लौटें और एक सुंदर जीवन लोग जी पाएं। उस विचार के साथ हमने ये कॉम्पिटिशन यहाँ पे करवाया और उसी विचार के साथ हमने ये ईश नाम का स्टार्टअप चालू किया है, जो उत्तर भारत का पहला हेल्थ और हैप्पीनेस हब होगा। खुशाली पांडे पावर लिफ्टिंग गोल्ड मेडल लिफ्टिंग 200 केजी क्लास 26 केजी का। नेक्स्ट रेखी चौधरी पावर लिफ्टिंग जूनियर गोल्ड मेडल इन 52 केजी क्लास लिफ्टिंग 185 केजी। रिंकी चौधरी नेक्स्ट पिंकी जगह और गोल्ड इन 90 के जी क्लास में 275। नेक्स्ट पिंकी सभी लोगों का, और इसमें बहुत अच्छे परिवार की महिलाएं बच्चियां हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। आज के दौर में उन्होंने ये दिखा दिया कि इतने टफ गेम में जहां पे 100-100 150-150 200-200 किलो वेट उठाया जा रहा है, वहां वो भी पुरुषों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है, और उनकी साधना और उनका जो प्रैक्टिस है उसके आधार पर यहाँ पर कई बच्चियों ने, बेटियों ने, महिलाओं ने भी प्राइजेस और गोल्ड मेडल जीते हैं। सर मेरा नाम दीपिका शर्मा है और मैं पिछले मतलब पावर लिफ्टिंग तो मैं 4 साल से जिमिंग कर रही हूँ नॉर्मल, लेकिन मुझे लिफ्टिंग शुरू से ही पसंद था, बट अभी पिछले 4 महीने से इस चीज़ को लेकर सीरियस तैयारी चल रही थी कि पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन था राजस्थान स्टेट लेवल का। मैं ये कहना चाहूँगी ये बिल्कुल मिथ है कि महिलाएं पावर लिफ्टिंग नहीं कर सकती हैं, ये सिर्फ पुरुषों का गेम है, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं को भी पावर लिफ्टिंग उतनी ही ज़रूरी है जितनी पुरुषों को, इससे आपका मेंटल फिज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ता है और आप डे टू डे लाइफ में भी अपने नॉर्मल काम भी बहुत ईजी वे में कर सकते हैं।
स्टेट पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। इसमें मैंने फीमेल कैटेगरी में 60 से 67.5 की जो वेट कैटेगरी है उसमें पार्टिसिपेट किया और मैंने ओवरऑल स्टेट चैम्पियन की ट्रॉफी जीती है और मैंने अपने बॉडी वेट से 4.66 टाइम्स वेट लिफ्ट किया। जब मुझे ये पता चला कि मुझे अ बिट ऑफ थायराइड इश्यूज है तब मैंने जिम ज्वाइन किया था और तब से मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की और उसके बाद से मैंने ये चेंजेस देखे कि सारे मेडिकल इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं एंड इट्स अ ग्रेट गोइंग ऑन और वहाँ से लिफ्टिंग की शुरुआत हुई और उसके बाद एक जिम में इंटर जिम कॉम्पिटिशन हुआ उसमें मैं विनर रही। वहाँ से मैंने स्पोर्ट को थोड़ा सीरियसली लिया और फिर उसके बाद आज ये स्टेट चैम्पियनशिप की।